एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ जस्ट फॉर न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए। वैसे ये लुक आप सब क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी स्किन है विदाउट एनी मेकअप। तो मैं लगाती हूँ पहले लावंडा का नाइट क्रीम। सो ये एक इंडियन ब्रांड है, आई रियली लव दिस वन, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। तो देन आई विल यूज़ अ प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ पैक का ऑयल बेस्ड प्राइमर। सो ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। देन आई विल यूज दिस फाउंडेशन फ्रॉम मेबिलीन। सो ये है सुपरस्टे फाउंडेशन इन शेड 330, बहुत ही रॉन्ग शेड मैंने ली है। दिस इज टू मच डार्कर फॉर माई स्किन टोन। अभी आप लोगों को दिख के पता चल जाएगा, जस्ट लुक एट दैट, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि मैं वीडियो में लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं लाइटर कंसीलर अप्लाई करूँगी, तो ये जो है थोड़ा बहुत मेकअप हो जाएगा। देन मैं कंसीलर के लिए ले रही हूँ ये निक्स का SD कंसीलर। ओ माई गॉड यू गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर बिकॉज ये जो है एकदम फुल कवरेज देता है, पार्टी के लिए द बेस्ट कंसीलर है। यहाँ पे मैं पैक का ब्रश ले रही हूँ, कंसीलर ब्रश, एंड इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। इट्स टाइम टू डू माई आई ब्राउज एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का आई लाइनर, जेल आई लाइनर। मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ, आज थोड़ा सा मैं लाइट यूज़ करूँगी क्योंकि इतना डार्क घर पर तो ओब्वियसली नहीं अप्लाई करते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक लगेगा। सो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन भी कर रही हूँ अपनी आई ब्राउज को, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगे। सो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेबिलीन। यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने रिसेंटली इसे परचेज़ करी है एंड आई एम लविंग इट। और इसे अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे, अच्छा खासा टाइम ले रही हूँ बिकॉज पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फेस को सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड यू नो आई कॉन्ट लीव विदाउट ब्लश, तो यहाँ पे मैं शुगर का पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें से मैं ब्लश ले रही हूँ भर भर के, मतलब फेस पे यूज़ करूँगी, चीक्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली ना कैमरा पे जल्दी से पकड़ नहीं रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, पता चल जाता है। थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना क्यूट क्यूट लगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा वही ब्रोंजर सेम पैलेट से लूँगी एंड थोड़ा सा वार्म अप दूंगी फेस को, ताकि थोड़ा सा डिफाइंड लगे फेस यू नो, क्योंकि मेरी फेस थोड़ी सी फैटी सी चौबी चौबी फेस है। एंड थोड़ा सा नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी क्योंकि नोज़ इतनी शार्प नहीं है। ओके अभी मैं हाइलाइटर सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ द bomb.com बिकॉज बहुत ही सटल सा, बहुत ही ग्लोई शेड है, बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जो कि मुझे लाइक घर पे भी लगाना पसंद है, बाहर भी जाती हूँ हमेशा मैं इसे ही अप्लाई करती रहती हूँ। देन ओ माई गॉड आई विल यूज़ दिस पैलेट फ्रॉम एसेफा कलर्स, इसमें 63 कलर्स है। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू करी हुई है, सब स्वचेस मैंने आप लोगों को दिखाई है उस वीडियो में, मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो।
यूजिंग द शेड हे बेब, यहाँ पे लोअर लैश लाइन एरिया पे भी और क्रीज एरिया पे भी अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक रेड अंडरटोन ऑरेंज शेड है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल गोल्ड। सो इसका नाम पर्पल है लेकिन ये एक रेड ग्लिटर शेड है और ये सेम पैलेट में है। और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे। उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ आई ब्राउ बोन को एंड थोड़ा सा इनर कॉर्नर को। सेम पैलेट से ले रही हूँ साइन ब्राइट शेड। तो उसके ऊपर जो ग्लिटर मैंने अप्लाई करी थी उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ प्रिटी गर्ल सेम पैलेट से। ये एक ऑरेंज शेड है ताकि थोड़ा सा ना सुंदर सा ग्लिटरी ऑरेंजी लुक आए। एंड उसके ऊपर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ अ नायका, यस नायका वन। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मस्कारा एंड काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो गया था इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे आईज़ पे। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक इन शेड हार्ट ब्रेकर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स। यू गाइज नो मैं कभी भी रेड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ ये तो होता ही है उसमें, क्योंकि ये मुझे काफ़ी हद तक सूट करता है मेरी स्किन टोन पे। देन मैं ये वाला जो है एसेंस का मस्कारा जो है यूज़ कर रही हूँ आईब्राउज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि आईब्राउज़ जो है काफ़ी लाइट लग रहे थे। सो उसके ऊपर थोड़ा सा लाइक ब्राइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड देन सिंदूर, देन बिंदी, देन थोड़ा सा नेक पीसेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। हेयर स्टाइल इन द सेंस मुझे जो पसंद है वही मैं कर रही हूँ, लाइक जो मेरे फेस पे सूट करता है। आप अपने अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल रखो। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने ये वाला नेक पीस जो है पहनी हुई है फ्रॉम अमेज़ॉन। सो बहुत ही काफ़ी अच्छी प्राइस में रेड कलर का नेक पीस है ये, जो कि मेरे साड़ी के साथ काफ़ी मैच करता है। ये साड़ी मैंने ऑफलाइन ली है, स्टोर परचेज है ये। मेरे काफ़ी सारी साड़ीज़ जो है स्टोर परचेज ही हैं। सो दैट्स दैट। आई होप कि आप लोगों को ये लुक जो है कहीं ना कहीं ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो यस, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय। I don't wanna miss